आमचे किशोर कुडावकर तसेच कोपरगावचे कार्याध्यक्ष फोर्टी प्लस मास्टरचे संतोष भाई पवार, नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय आत्माराम पाटील, उपाध्यक्ष नानासाहेब दिवेकर, नवीन कमिटी स्थापन केली छाया रिसॉर्टमध्ये अतिशय दर्जेदार रीतीने शांत चित्तेने सर्व कार्यक्रम पार पडलं। तर आयकॉन खेळाडूमधून आकाश तारेकरची गणना केलेली आहे। दापोली संघामध्ये तर एका बाजूला किंग्स इलेवन पनवेल हा तालुका हाफ मधून संघ आला आणि सिद्धिविनायक भिंगारी संघाच्या बाजूने लकी ड्रॉ लागलाय। प्रसन्न जितेकरला आपण पाहतोय लॉन्ग ऑफ मध्ये, लॉन्ग ऑनला आपण पाहतोय आहे। किरण पवार आणि आकाश तारेकर असे दापोली संघामध्ये दोन आयकॉन आहेत। गोलंदाज ऋषिकेश भोईर, तर दोन धावा धापकावर लागल्यात। पुढचा चेंडू, दोन षटकांचा सामना आहे। अप्रतिम किरण पवार काय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण करतात बघा, चाणक्य यष्टीरक्षक। अप्रतिम यष्टीरक्षण त्यांचं पाहायला मिळाले। संघाची धावसंख्या धापकावर लागतोय। पुढचा चेंडू या षटकातील पाहायला मिळतोय ऋषिकेश भोईर यांचा। अप्रतिम चेंडू, संघाची धावसंख्या एक ने पुढे सरकतोय। तीन धावा धापकावर, पहिले षटक प्रगतीपटावर आणि पंचांचा खर्चूनचा इशारा येतोय। चार धावा धावपलकावर पाहायला मिळतात। पुढचा चेंडू दिनेश साडी पडतो आहे। पुन्हा एकदा कापे ड्राव चेंडू खेळून काढला। प्रशांत तिथे चेंडूवर वेगाने येतोय। पाच धावा धावपलकावर, पाच धावा धावपलकावर लागलेले आहेत। पहिले षटक प्रगतीपटावर गोलंदाज ऋषिकेश भोईर, तर एका बाजूला दिनेश हा फलंदाज आहे। आशिष साठी चेंडू होता, चेंडू यष्टीरक्षकाला चकून जातोय आणि संघाची धावसंख्या बॅटकटच्या स्वरूपामध्ये धावा मिळतात। सहा धावा धावपलकावर, पहिलं षटक प्रगतीपटावर आहे ते मात्र गोलंदाज ऋषिकेश भोईर यांचं। या षटकातील काजूचा खेळ संपतो काजून शेष। पुढचा चेंडू, दोन षटकांचा सामना आपण पाहतोय। पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार आणि प्रशांतला चकून चेंडू जातोय सीमारेषेबाहेर। संघाची धावसंख्या दहा, दहा धावा धावलकावर। स्कोर झालाय तो मात्र दहा। एक चेंडू आहे, एक चेंडू शेष या षटकातील आणि आता मात्र शेवटच्या चेंडूवर दिलाय तडाखा आणि संघाची धावसंख्या सोळा धावा धावपलकावर। दोन षटकांचा सामना आपण पाहतोय, रंगतदार सामना आमच्या समवेत आज मात्र पूर्ण दिवसभरामध्ये ज्याने पूर्ण प्रेक्षकांची मने जिंकली, एक दर्जेदार असा आवाज दिला ते मात्र वाकडी गावातील एक रॉकस्टार कॉमेंटेटर प्रवीण, प्रवीण 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 काय कर काय कर काय कर काय कर
तर गोलंदाज आलाय आकाश तारेकर, आयकॉन खेळाडू, दोन आयकॉन आहेत, एक पारगावचा आकाश तारेकर आणि सावल्याची रन मशीन, एका हातामध्ये चांभारलीच्या मैदानापासून सुरुवात केली षटकार लागवायची, तो मात्र किरण पवार। आमचे स्कोरल मित्र पराग भाई होईर स्कोरिंग करत आहेत। आकाश तारेकरचा चेंडू आणि हेलिकॉप्टर उडवलाय आणि संघाची धावसंख्या येतो षटकार 22 22 असा करतो। बावीस सावा दबल कावर पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार, सुंदर क्षेत्रक्षण पाहायला मिळतोय, अप्रतिम दर्जेदार क्षेत्रक्षण, दर्जेदार फेकी, धावसंख्या धावपकार लागतो ती मात्र 24 24 रन्स, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट्स, किंग्स 11 पनवेल। पुढचा चेंडू स्टेट द ग्राउंड, सुंदर क्षेत्रक्षण, ऋषिकेश भैरला चेंडू दाखवून जातो आणि त्याचा फायदा मिळतो तो मात्र किंग्स 11 पनवेल संघाला। जसा चेंडू हातातनं निसटला तसं मात्र फलंदाज धाव घेण्यामध्ये माहिर झाले, कारण दोन षटकाचा सामना आहे, धावा येणं अतिशय महत्त्वाचं आहे। दरम्यान या षटकातील काय चेंडूचा खेळ संपतो, काय चेंडू शेष, शेवटचे दोन चेंडू शेष। आता मात्र गोलंदाजीमध्ये कमबॅक करतात स्वतः आकाश तारेकर, चेंडूच्या मागे धावतात, काय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण करतात, अप्रतिम, बघा किती चतुराई आहे गोलंदाजीमध्ये आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये। आणि फलंदाज मात्र येतोय माघारी, सिद्धिविनायक भिंगारी संघाने फायनलमध्ये प्रवेश केलाय आणि या षटकातील आकाश तारेकर यांचा शेवटचा चेंडू असणार आहे। आणि आता मात्र दिनेशच्या बॅटमधील मिड विकेट क्षेत्राकडे चेंडू येते, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं, शिवतेज याचं फेकी अतिशय जबरदस्त आणि फलंदाज बाद आणि 12 चेंडूच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावकार लागतो ती मात्र 2 षटका संपतीनंतर 29 आणि धावा काढायच्या आहेत त्या मात्र 12 चेंडूमध्ये तब्बल 30 धावा। ऑटो प्रवीण गायकार, नक्कीच नक्कीच सागर, तुमचं समालोचन असलं की खेळाडू अगदी जोशमध्ये येत असतो, परंतु ज्या गरज होती ज्या धावांची त्या धावा बनवल्या गेल्या किंग्ज 11 पनवेल संघाकडून आणि 29 धावा झाल्यात, ते विजयासाठी 15.00 सरासरीनं 30 धावींची गरज असेल या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी। तो फिरसे एक बार तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकडी और सागर पाटील पारगाव और हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए हमारे बेहतरीन कॉमेंटेटर पराग भोईर, उनके ओर से जय हनुमान दापोली क्रिकेट टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जहाँ पर फर्स्ट सेमीफाइनल यहाँ पर चलती हुई सेमीफाइनल है, जीतेंगे सीधा फाइनल का टिकट मिलेगा भिंगारी टीम के खिलाफ खेलते हुए, लकी ड्रॉ भिंगारी टीम को मिला और सीधा फाइनल में पहुंची और सेमीफाइनल का ये मैच चलता हुआ जहां पर पहले सत्र में 29 रन बने और 30 रनों का लक्ष्य यहां पर पार करना पड़ेगा अपने घरेलू मैदान के ऊपर। जय हनुमान दापोली पिछले 3 मुकाबले खेले हैं, पहले दिन में जय हनुमान दापोली टीम विशाल जीतेकर ने 146 रन बनाए, उसमें 2 अर्धशतक है उनके बल्ले से। अब यहाँ पर और एक दारोमदार बड़ी होगी कि तीसरे नंबर पर ही रहना चाहेगी या एक ट्रॉफी यानी कि फर्स्ट ट्रॉफी के तरफ जाने का यहाँ पर प्रयास करेगी, क्योंकि भिंगारी टीम ने अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है। कुणाल नाइक की दमदार परफॉर्मेंस रही कल, उसके बाद बात करेंगे। आमचे गुरुग्राम पंचायत दापोलीचे विद्यमान उपसरपंच गजानन दादा पाटील साहेबांचे इथे आगमन झाले, सरसे स्वागत। आणि खऱ्या अर्थानं मित्रांनो, ज्यांचं व्यासपीठावरती शुभागमन बक्षीस समारंभ सोहळ्यासाठी तुम्ही पाहता रायगड ग्रामीण ट्रेनिस क्रिकेट कमिटीच्या अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टीचे
उपाध्यक्ष अर्थातच आमचे राखे दादा गायकवाड यांचं शुभागमन आणि त्यांच्या समवेत सन्माननीय गजानन शेठ जितेकर या उपसरपंच दापोली गजानन शेठ पाटील साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं, त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया कारण यांच्याच माध्यम तर त्यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, तर त्यांचंही मनापासून आपण स्वागत करूया कारण ज्या पद्धतीनं आपण सामने पाहिलेत, शेवटची नाईट स्पर्धा पाहिलीत, अर्थातच अगदी कमी एंट्री या विभागातील वडगर विभागातील जेवढे संघ होते त्या सर्व संघांना अगदी कमी एंट्री त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि डे नाईटची स्पर्धा तुम्हाला अगदी यशस्वी पाहायला मिळाली, ते अर्थातच राखी दादा गायकवाड ओवले यांचं या ठिकाणी शुभागमन आणि त्यांच्या समेत त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून याच विभागामध्ये दमदार कार्य ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय ते सन्माननीय दापोली ग्रामपंचायत पंचायतीचे माजी उपसरपंच तथा विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय गजानन पाटील साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन, त्यांचं आपण या स्पर्धेच्या वतीने आपण सहर्ष स्वागत करूया आणि त्यांच्याच माध्यमातून या स्पर्धेसाठी तब्बल 3 दिवस आम्हाला लाईव्ह स्पॉन्सरशिप केली त्यांचंही पणापासून आपण स्वागत करूया आणि जाऊया मॅचच्या दिशेने। तो गेंदबाजी केले गेंदबाज हे मेरे ख्याल से मानस लेले गेंदबाजी के मार्ग पर और बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए आइकॉनिक तौर पर अगर किस खिलाड़ी की चर्चा की जाती है तो बिल्कुल आकाश तारेकर और किरण पवार उनमें से एक आइकॉन खिलाड़ी। गेंदबाजी आकाश ने की तो सलामी बल्लेबाजी करेंगे किरण और उनका साथ देंगे विशाल जी देकर। मान्यवरांचं इथे शुभागमन। आज मात्र खऱ्या अर्थानं ज्या पद्धतीनं राकेश दादा गायकवाड सातत्याने समाजामध्ये चांगले कार्य करतायत आणि त्यांच्या कार्याला आम्ही सातत्याने सलाम करत असतो, त्यांचं या ठिकाणी शुभागमन आणि त्यांच्या समेत गजानन शेठ पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन, त्यांचंही हार्दिक स्वागत। तो बिल्कुल इस गेंद के ऊपर रन बटोरा, यहाँ पर 1-2 रन बटोरे, 2 रनों की मदद से पारी की शुरुआत की जय हनुमान दापोली टीम ने। 30 रनों का लक्ष्य है और जीतने के लिए अभी भी 28 रनों की आवश्यकता है। 2 रनों के साथ किरण ने खाता खोला, टीम किरण संख्या बनती हुई 2 रन। गेंदबाज तैयार, किरण पवार को बीट किया। अभी अभी हमारे आए हुए मेहमान राकेश दादा गायकवाड़ और गजानन शेठ पाटील इनसे हम जरूर बताना चाहेंगे, ये सेमीफाइनल है तालुका आप में से किंग्स इलेवन पनवेल टीम क्वालिफाई हुई है, ग्रामीण से भिंगारी और दापोली टीम क्वालिफाई हुई है और लकी ड्रॉ किया गया और लकी ड्रॉ मिली भिंगारी टीम को और सीधा पहुंची फाइनल में। किरण पवार को लगातार 2 गेंदों के ऊपर परेशानी में डाला है, मानस ले लेके गेंदबाजी कितनी जबरदस्त चल रही है और यहाँ पर बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन, 28 रनों की अभी भी आवश्यकता है, बची हुई 9 गेंदें हैं और यहाँ पर मानस लेले ने पूरे मैच में पूरी श्रृंखला में जोरदार परफॉर्मेंस दिया है और क्या कमाल की गेंदबाजी की है। किरण पवार बीट हुए 3 गेंदे डॉट, ये बहुत बड़ा प्रेशर मैं कहूँगा, इतना प्रेशर लेते नहीं अपने ऊपर लेकिन यहाँ पर प्रेशर बहुत रहा उनके ऊपर। अब इस ओवर की शेष 2 गेंदे बची है, 8 गेंदे और 28 रनों की बिल्कुल यहाँ पर आवश्यकता, 2 मैक्सिमम चाहिए तभी तो इस मैच में बन सकती है। ये लीजिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवा में है, गेंद विकेट कीपर गेंद के पीछे लेकिन चलिए कैच तो छूटा जरूर है, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं यहां पर और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों की मदद से बढ़िया एफर्ट किया विकेट कीपर ने, छलांग लगाई पानी में गिरे, जानते हैं आप चोट नहीं लग सकती पत्थर नहीं लग सकता क्योंकि पानी है लेकिन एफर्ट लाजवाब था। 2 रन बटोरे, 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी भी जीतने के लिए 26 रन की आवश्यकता है 7 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी किंग्स इलेवन पनवेल टीम, गावदुबी काउटान उल्वे नोड ओम भंगारपाड़ा उसके साथ साथ श्रेया इलेवन कोपर पड़ी टीमों को परास्त किया और यहां पर पहुंची सीधा सेमीफाइनल में। तो यहां पर देखेंगे अंतिम गेंद के ऊपर नंबर आया डॉट, एक सफल ओवर की समाप्ति जो अपेक्षा थी किंग्स इलेवन पनवेल टीम के कप्तान को यहाँ पर मानस लेले से, वो बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी फेंकी और आज भी दापोली टीम को यहाँ पर सदमा देती हुई आखिर की 6 गेंदे और 26 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों दमदार नेतृत्व इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए बख्शीश समारंभ के लिए जिनकी उपस्थिति बहुमूल्य रही हमारे जय हनुमान दापोली के इस टूर्नामेंट के लिए, वो सम्मानीय राकेश दादा गायकवाड़ और उनके समेत गजानन शेठ उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आने वाली 6 गेंदे और जीतने के लिए मेरे ख्याल से जरूरत है यहाँ पर 26 रनों की दिनेश गेंदबाजी के लिए। तो दिनेश यहाँ पर गेंदबाजी के लिए, हमारे सुजीत भाई उनका भी हम स्वागत करते हैं।
तो बिल्कुल राइट हम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। विशाल जितेकर पिछले तीन मुकाबले में पहले दिन कमाल की बल्लेबाजी की थी, अब यहां पर देखेंगे क्या 26 बना पाएंगे दिनेश के सामने। दिनेश ने पूरी तरीके से ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अब तक दिया इस श्रृंखला में, तेज रफ्तार से बीट किया। यहां पर विशाल जितेकर को भी एक रन जरूर मिली है, बल्ले का एज लगा था जहां पर एक रन बटोरा बल्लेबाज ने और एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 5। अब तो एक ही समीकरण है कि आने वाली 5 गेंदों में 4 छक्के लगाएंगे तो ये मैच बनेगा। किरण पवार के लिए इतना मुश्किल तो है नहीं, लेकिन अब ये पहले ओवर में अगर बात करेंगे सागर, थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न हुई थी, बल्ले पर ठीक तरीके से गेंदें नहीं आ रही थी, लगातार डॉट गेंदे खेले गए और उसकी वजह से ये आखिरी ओवर में बड़ा टोटल देखने को मिला है दापोली टीम के सामने। मैच को कभी भी पलट सकती है, पावर एक क्षमता है किरण पवार में। चलिए यहां पर डॉट बॉल की हुई समाप्ति, पूरी तरीके से किरण पवार को शांत रखा है। अब बची हुई गेंदे है 4 और 4 छक्कों की दरकरार। टॉस के आधार पर ये 4 छक्के चाहिए। यहां पर भी बीट गुडलेन स्पॉट पर फेंका गया इस गेंद को। डॉट बॉल की हुई समाप्ति, आइकॉन के तौर पर चुना गया था किरण पवार को, लेकिन लगातार बीट होते हुए आज पूरी श्रृंखला में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अंतिम इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी की अपेक्षा होनी चाहिए थी। चलिए देर हुई लेकिन ये 6 रन आया किरण पवार के बल्ले से। अब समीकरण बदलता हुआ, बची हुई 2 गेंदे और जीतने के लिए 18 रनों की बिल्कुल यहां पर आवश्यकता है। 2 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता, 4 छक्के चाहिए थे 4 गेंदों में, लेकिन इससे पहले गेंद डॉट हुए थे किरण पवार, थोड़ा सा दूर जाता हुआ इनके लिए। अभी कोई नोबाल अगर गिरती है उसमें से 6 आता है तो शायद मुकाबला बन जाए, रबर बॉल में तो ऐसे हमने बहुत कारनामे देखे। ऑन साइड में खेला है, 1 ही रन यहां पर मिलेगा। मुकाबला पूरी तरीके से अब यहां पर खुला होता हुआ, अंतिम 1 गेंद बची है। चलिए भिंगारी टीम के कप्तान, टॉस के लिए तुरंत यहां पर आकर संपर्क कीजिए। फाइनल का टिकट बिल्कुल मिल चुका है किंग्स 11 पनवेल, जो तालुका आपसे टीम आई थी और कमाल का परफॉर्मेंस देती हुई। चलिए मुकाबला जीता, फाइनल में पहुंचे किंग्स 11 पनवेल टीम, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तर चला कुणाल नाईक लगेच टॉस साठी आपण या, भिंगारी संघाचे कॅप्टन उपस्थित झालेत या ठिकाणी साहिल, आणि विनंती करूया आपण टॉस करून घेऊया। राजकुमार दादा आपण आपले शुभ हस्ते